नमस्कार दोस्तों, मैं यश चौहान जीके राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं एक बढ़िया से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट को लेकर के। यहाँ पर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। यह सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। और साथ में आपको भी एक काम करना है, हर एक क्वेश्चन का आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और निश्चित रूप से आपका गलत होता है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, सभी के क्वेश्चन गलत होते हैं शुरुआत में, लेकिन दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप प्रयास करेंगे, है ना। यहाँ पर आज भी हम कुछ ना कुछ क्लास में सीखेंगे। और निश्चित रूप से आप किसी भी एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान का कला एवं संस्कृति समाहित है, तो निश्चित रूप से यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके लिए आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या पीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यह इन सभी के लिए यह क्लास आपकी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की चर्चा होगी और आज हम कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, यह रहा आज का पहला क्वेश्चन। आशा करता हूं आप वीडियो को शेयर कर देंगे। सबसे पहले एक काम करिए दोस्त, आप अपने सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें। और इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देना प्रारंभ करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आशा करता हूं आवाज वगैरह सब कुछ आप तक पहुंच रही होगी, निश्चित रूप से आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला, एक ऐसा मेले के नाम बताना है जो हिंदू मुस्लिम सद्भाव का प्रेरक कह सकते हैं, प्रतीक कह सकते हैं, इसका आपको नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका कह रहा है गुहा मेला, बी कह रहा है तेजा मेला, तेजा जी का मेला, सी कह रहा है राम देवरा का मेला, और डी कह रहा है भगवान मल्लीनाथ का मेला। इसका आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मुझे पूरा विश्वास है आप इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। चलिए जवाब दीजिए क्या आंसर होगा। बिल्कुल दोस्त, अगर हम बात करें राम देवरा मेला की, यह मेला जो आपका है, यह मेला हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला माना जाता है, या फिर हिंदू मुस्लिम सद्भाव का प्रतीक माना जाता है आपका राम देवरा का मेला। और जिस भी स्टूडेंट ने सी आंसर दिया है उसका एकदम सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का क्या कह रहा है, और इसका भी आप जवाब दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, इसका कहना है महामंदिर जोधपुर में है जो, मैं किस संप्रदाय की पीठ स्थापित है। आपको महामंदिर जो जोधपुर में है, आपको यह बताना है किस संप्रदाय की पीठ वहां पर स्थापित है। क्या परनामी संप्रदाय, क्या नाथ संप्रदाय, या बल्लभ संप्रदाय, या कह रहा है निम्बार्क संप्रदाय। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का भी आंसर दे सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी बताएंगे उसका सही जवाब ही बताएंगे। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो निश्चित रूप से आपका सही जवाब आना भी चाहिए, और देखिए कई स्टूडेंट सही जवाब भी देंगे। आपसे पूछा गया था महामंदिर जोधपुर में जो स्थित है किस संप्रदाय की पीठ स्थापित है, तो एकदम से जिसने भी बी आंसर की तरफ गए हैं एकदम सही आंसर दिया है, नाथ संप्रदाय की पीठ स्थापित है आपके महामंदिर में। और यहां पर दूसरे प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी राइट आंसर। आगे चलेंगे और यह रहा आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, यह कह रहा है बैसलव मतावलंबियों के आराध्य देव हैं। आपसे पूछा गया था, पूछा गया है बैसलव मतावलंबियों के आराध्य देव किसे कहा जाता है। ए कह रहा है कृष्ण को कहा जाता है, बी कह रहा है दुर्गा माता को कहा जाता है, शिव भगवान को कहा जाता है, या हनुमान जी को कहा जाता है। चलिए अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसका भी आप आंसर आसानी से दे सकते हैं अगर आप जान रहे होंगे तो। देखिए कह रहा है वैष्णव मतावलंबियों के आराध्य देव किसे माना जाता है, तो निश्चित रूप से आराध्य देव किसको माना जाता है,
भगवान कृष्ण को माना जाता है, कृष्ण को माना जाता है, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, आपके ए ऑप्शन में दिए गए हैं, और जिस भी स्टूडेंट ने ए आंसर दिया है एकदम से सही जवाब दिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आप धीरे से पढ़ेंगे निश्चित रूप से आंसर दे पाएंगे। कह रहा है, अजमेर लघुचित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है, चलिए बताइए क्या आंसर होगा। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कह रहा है अजमेर लघुचित्र शैली, ठीक है, को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान माना जाता है, वह कौन है। ए ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है सीरीन, ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है तालरी, और सी ऑप्शन कह रहा है नौसीन, और डी ऑप्शन कह रहा है आपका क्या, साहिबा। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन की आप बात करें तो, चलिए चार ऑप्शन आपके सामने है, निश्चित रूप से आपका सही जवाब आना चाहिए। अगर हम चारों ऑप्शन को देख पाएंगे तो निश्चित रूप से सही जवाब दे पाएंगे। चलिए क्या आंसर होगा आपका बताइए मुझे जरा। बिल्कुल दोस्त, अगर हम साहिबा की बात करें तो आपका जो डी ऑप्शन आ रहा है एकदम से सही आ रहा है। अगर मैं बात करता हूं साहिबा की, तो यह अजमेर लघुचित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार हुआ करती थी, इनका प्रमुख स्थान है, आपकी कोई और नहीं है, यह आपकी साहिबा है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली का मुख्य विशेषता है। आपसे पूछा गया है चित्रकला शैली के बारे में दिया गया है, आपसे उस चित्रकला शैली का नाम पूछा गया है जिसकी विशेषता कौन है, आदमकद चित्र है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है जोधपुर चित्र शैली, बी ऑप्शन कह रहा है जयपुर चित्रकला शैली, सी ऑप्शन कह रहा है किशनगढ़ शैली, और डी ऑप्शन आपका कह रहा है कोटा शैली। चलिए पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो आपका जवाब आ जाना चाहिए, अभी तक निश्चित रूप से आपका आंसर आ गया होगा अगर आपको उत्तर आ रहा है। बिल्कुल दोस्त, अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें जोधपुर जयपुर किशनगढ़ और कोटा के बारे में कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जयपुर शैली हो जाएगा। यहां पर आदमकद चित्र क्या है, मुख्य विशेषता है इसकी, किसकी, जयपुर चित्रकला शैली की, बी राइट आंसर। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन यह रहा, जो लोग देर से आए हैं दोस्त यहां पर वीडियो को फिर से देख सकते हैं, लेकिन खत्म होने के बाद, इसके बाद मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहूंगा एक बार प्लीज, एक बार मेरे प्यारे भाइयों एवं प्यारी बहनों, एक बार सारे वीडियो को, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर आप शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या आंसर होना चाहिए। अगर हम छठवें प्रश्न की बात करें तो आपका क्वेश्चन दिया गया है, उदयपुर के किस शासक ने चित्तौड़ों की ओबेरी नामक विद्यालय स्थापित किया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है उदयपुर के किस शासक ने चित्तौड़ों की चित्तौड़ों की ओबेरी नामक विद्यालय स्थापित किया था, राज सिंह ने, अमर सिंह ने, करण सिंह ने, और डी ऑप्शन आप देख ही रहे हैं इसका क्या आंसर होगा, जगत सिंह प्रथम ने। चलिए क्या आंसर होगा इसका, छठवें क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या आंसर होने वाला है अगर मैं छठवें क्वेश्चन की बात करूं। बिल्कुल दोस्त, आप एकदम सही जा रहे हैं और आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर जो भी बच्चे हमारे डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, एकदम सही जवाब दिया है, यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जगत सिंह प्रथम हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सातवां क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सांबत सिंह की मृत्यु कहां हुई। अब देखिए, एक तो आप यहां पर इसको याद रख सकते हैं, किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो संरक्षक हैं वो कौन है, सावंत सिंह हैं। इनकी जन्म नहीं, इनकी आपसे मृत्यु पूछा जा रहा है,
और चार जगहों के नाम आपके सामने है। ए कह रहा है वृंदावन, बी कह रहा है किशनगढ़, सी कह रहा है आगरा और डी कह रहा है जोधपुर। बताइए इनकी मृत्यु कहां होती है। आपके सामने दिया गया है सामंत सिंह की, सावंत सिंह की मृत्यु आपको बताना है। बिल्कुल दोस्त, अगर आप जा रहे हैं वृंदावन, किशनगढ़, आगरा और जोधपुर में, किशनगढ़ गलत हो जाएगा, आगरा गलत हो जाएगा, जोधपुर गलत हो जाएगा और जिस भी ऑप्शन बच्चे ने ए ऑप्शन की तरफ गया है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इनकी मृत्यु कहीं और नहीं हुई है, वृंदावन में हुई है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आठवां क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है, इसको भी देख सकते हैं आप क्या आंसर होगा। बताइए किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। देखिए दोस्त, अगर हम बात करें ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी में आपका साहित्य भी आने वाला है, राजस्थान का साहित्य आने वाला है, तो निश्चित रूप से हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं आपके सामने जिसमें साहित्य भी शामिल है। ऐसा नहीं है ये केवल राजस्थान के ग्रुप डी में आएगा, आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में राजस्थान का साहित्य आने वाला है, इसलिए आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप बता सकते हैं, ए कह रहा है मारवाड़, बी का क्या कहना है, बी का कहना है मेवाड़, सी का कहना है बूंदी और डी का कहना है अलवर। बताइए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है। अगर आप जा रहे हैं मारवाड़ की तरफ, एकदम से सही जवाब दिया है, एकदम से सही जवाब दिया है, इज द राइट आंसर। और जिस भी स्टूडेंट ए आंसर की तरफ गए हैं उसका मैं गलत नहीं कर पाऊंगा, उसका एकदम से सही जवाब है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने है, नौवां क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए क्या आंसर होगा। पूछ रहा है राम स्नेही संप्रदाय की सिंह थल शाखा के संस्थापक कौन से, आपसे पूछा गया है। कह रहा है राम स्नेही संप्रदाय की सिंह थल शाखा के संस्थापक कौन थे। ए रामचंद्र जी, हरिराम दास जी, रामदास जी और दरियाव जी। चलिए बताइए नाइन्थ का क्या आंसर होगा। अगर चलिए अगर हम नौवे क्वेश्चन की बात करें तो निश्चित रूप से आप इसका आंसर दे सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है आप इसका सही जवाब देंगे। चलिए क्या आंसर होगा। बिल्कुल दोस्त, अगर आप जा रहे हैं रामचंद्र जी की तरफ तो ए ऑप्शन बेटा आपका गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन को मैं सही गलत कर नहीं पाऊंगा क्योंकि यही आपका आंसर सही है। यहां पर बी द राइट आंसर। अगर हम बात करें हरिराम दास जी की, बिल्कुल दोस्त सही जवाब दिया गया है, राम स्नेही संप्रदाय के सिंह दल शाखा के संस्थापक कोई और नहीं थे, हमारे हरिराम दास जी थे, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह क्या कह रहा है, इसका कहना है राजस्थान में तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपसे पूछा गया है। राजस्थान में जो तेरापंथ संप्रदाय है की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, क्या भिक्षु स्वामी के द्वारा की गई थी, बी ऑप्शन आचार्य जी तुलसी के द्वारा की गई थी, सी ऑप्शन हरिराम दास जी के द्वारा की गई थी, या फिर आपके सामने दिया गया है दादू दयाल जी के द्वारा की गई थी। बताइए क्या आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो निश्चित रूप से आप इसका भी जवाब दे सकते हैं क्या आंसर होने वाला है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बात करें ए ऑप्शन की तो एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ए एकदम से सही जवाब दिया है। भिक्षु स्वामी जी के बारे में कहा जाए तो ये राजस्थान में तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी, इसलिए जिसने भी ए आंसर दिया है एकदम से सही जवाब दिया है। आगे चलेंगे ग्यारहवें क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है मारवाड़ की पंच पीरों में से किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव है। मारवाड़ की पंच पीरों में से आपसे ऐसे व्यक्ति का नाम पूछा गया है जिसका प्रमुख स्थान कौन सा है, आपका बेंगटी गांव है। ए कह रहा है गोगा जी महाराज, बी कह रहा है मेहा जी, सी कह रहा है हरबू जी और डी कह रहा है पाबू जी। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो निश्चित रूप से
आप इसका जवाब दे सकते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गोगा जी, इसके बाद मेहा जी, इसके बाद बात कर रहे हैं किसकी, हरबू जी, इसके बाद बात कर रहे हैं पाबू जी की। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल इसका जवाब दीजिए। आप थोड़ा सा सोच और समझ के ईमानदारी से जवाब दीजिए। इसके बाद सारे दोस्तों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, है ना। चलिए, इसका आंसर जिस भी बच्चे ने हलबू जी दिया है, एकदम से सही जवाब हो जाएगा, सीधा राइट आंसर। अगर हम बात करें मारवाड़ की पंच पीरों में से किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव है, तो किसी और का नहीं है, आपके किसका है, हलबू जी का है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 12वां क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है खाटा रानी महल कहां पर स्थित है, बताइए, क्या कुंभलगढ़ दुर्ग में, आगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इसके बाद सी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, रणथंभौर दुर्ग में, इसके बाद कह रहा है जैसलमेर दुर्ग में। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो निश्चित रूप से आपका एक इजी क्वेश्चन आपके सामने है, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट सही जवाब देने वाले हैं इस क्वेश्चन का। निश्चित रूप से आपने एकदम से ए आंसर दिया है, और कुंभलगढ़ दुर्ग एकदम से सही आंसर है, ए द राइट आंसर। आगे चलेंगे 13वें क्वेश्चन की ओर, 13वां प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है देश का पहला मंदिर यह भी आपके सामने एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है देश का पहला मंदिर जहां हनुमान जी का की दाढ़ी मूछ युक्त माथे पर तिलक युक्त विग्रह है, आपको बताना है। ए कह रहा है खोले के हनुमान जी, बी कह रहा है मेहरीपुर बाला जी, सी कह रहा है काले हनुमान जी, और डी कह रहा है सालासर बालाजी। इसमें सभी में के नाम आपने सुने होंगे, हनुमान जी के नाम के आपने सुने होंगे। इसके बाद आपने ये भी देखा होगा देश का एक पहला मंदिर है, निश्चित रूप से पहला मंदिर है, जहां पर क्या है, हनुमान जी की दाढ़ी मूछ युक्त माथे पर तिलक युक्त क्या है, विग्रह है। आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल दोस्त, आप सही जवाब देने वाले हैं, और आपने एकदम सही जवाब दिया है। अगर हम बात करें सालासर बालाजी की, तो एकदम से सही जवाब हो जाएगा, और डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 14वें क्वेश्चन की ओर चलिए, 14वां प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, इसका कहना है मंजरी, ठीक है, इसके बाद आपके सामने क्या कह रहा है, मंजली सुनाल हवेली जिसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां हैं, वह कहां पर स्थित है। एक कह रहा है चुरू में, बीकानेर में, भीलवाला में, और सी कह रहा है चित्तौड़गढ़ में। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो भी दोस्त आपके चुरू कहने वाले हैं, एकदम से इन्होंने सही जवाब दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, और एकदम से सही जवाब दिया है। आपका क्या जवाब हो जाएगा, चुरू हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, 15वां प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है, आभा मेरी, क्या कह रहा है, आभा मेरी दोसा स्थित हलसर माता का मंदिर किस काल का है, आपको उस काल का नाम बताना है जो आभा नेरी दोसा स्थित जो हलसद माता का मंदिर है। एक तो क्वेश्चन यही बनता है, हलसद माता का मंदिर, यहां से भी क्वेश्चन जवाब बन सकता है। इसके बाद चार ऑप्शन आपके सामने है, कह रहा है गुप्तकालीन, गुप्तोत्तरकालीन, मौर्यकालीन, और आगे कह रहा है, आगे कहा गया है प्रतिहाल का हादकालीन, बताइए क्या आंसर होगा। अगर हम 15वें क्वेश्चन की तरफ चले, 15वें क्वेश्चन की ओर चले, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगर आप डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं तो एकदम सही जवाब है, प्रतिहार कालीन, बिल्कुल दोस्त सही जवाब है, और डी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, हलसर माता का मंदिर किस काल का है, प्रतिहार काल का है। चलिए आगे चलते हैं, आगे है चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोस्त कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, और एकदम से सही जवाब देना चाहिए, आपका रटा होना चाहिए ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है, वीर तेजा जी, वीर भता जी,
देव बाबा जी या फिर कह रहा है वीर कल्ला जी। और बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल इसका तो सही सभी को जवाब आ ही जाएगा और एकदम सही आंसर दिया है। अगर हम बात करें वीर कल्ला जी के बारे में, इन्हीं को चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में क्या है विख्यात है, एकदम से सही आंसर है आपका जी। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे इसको। आपसे पूछा गया है क्या कह रहा है, गरसिया द्वारा किया जाने वाला किस नृत्य में वाद्यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपसे पूछा गया है गरसिया द्वारा किया जाने वाला कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें वाद्यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए कह रहा है बालक, बी कह रहा है सकरिया, सी कह रहा है बागलिया और डी कह रहा है घूंजला। चलिए इसका जवाब दीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सातवां क्वेश्चन आपके सामने एकदम से अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। अगर हम बात करें बालर के बारे में एकदम सही जवाब होगा। आपसे पूछा गया था नृत्य के बारे में, तो आपका जो बालर नृत्य है इसमें आप किसी भी वाद्यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्त आप समझ रहे हैं यह बालर नृत्य किससे संबंधित है, यह गरसिया से संबंधित है और एकदम सही जवाब दिया है आपका, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह कह रहा है नागानंद एवं रत्नावली के रचयिता हैं। आपसे क्या पूछा गया है ध्यान से पढ़िएगा, आपसे कहा गया है नागानंद एवं रत्नावली के रचयिता कौन है। देखिए आपके सामने फिर से मैं कह रहा हूं, राजस्थान की कला संस्कृति में ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो निश्चित रूप से आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। अगर हम बात करें नागानंद एवं रत्नावली के रचयिता कौन है बताइए, हर्षवर्धन जी है, चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके बाद सांगा का नाम दिया गया है और डी ऑप्शन में आपके कुंभा का नाम दिया गया। एक मिनट, क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड रुकेंगे। चलिए अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही जवाब दे सकते हैं, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, सांगा या फिर डी ऑप्शन आपसे कह रहा है कुंभा। चलिए क्या जवाब होगा इसका, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त आप ए ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें हर्षवर्धन के बारे में तो निश्चित रूप से इन्हें नागानंद एवं रत्नावली के क्या माना जाता है, रचयिता कहा जाता है। बिल्कुल दोस्त इज द राइट आंसर। 19वें क्वेश्चन आंसर दीजिए, चलिए बताइए 19वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 19वां प्रश्न आपके सामने है, इसका आप इजी आंसर दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए मैं एक बार और बता रहा हूं, कह रहा है राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खींचरी बचनिका के लेखक। फिर से राजस्थान के साहित्य से क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रुप डी वाले या किसी भी राजस्थान के किसी भी ऐसे एग्जाम वाले जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति समेत है, निश्चित रूप से आपके आपके में ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए क्या कह रहा है, राजस्थानी साहित्य की रचना, साहित्य से क्वेश्चन है आपका, अचलदास खींची बचनिका के लेखक कौन है, वीर विनोद है, अचलदास खींची है, हम्मीर महाकाव्य है और आगे दिया गया है शिवदास गांडल है। बताइए, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, आपके सामने तीन ऑप्शन और भी हैं। अब देखिए कई मेरे स्टूडेंट कहां चले जाएंगे, अचलदास खींची की तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर भी आपको दिख रहा है अचलदास खींची, पर अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अचलदास खींची री बचनिका के लेखक कोई और नहीं है, कौन है आपके, शिवदास गांडल जी हैं। और जिसने भी डी आंसर दिया है उनकी राजस्थान साहित्य में अच्छी पकड़ है और निश्चित रूप से उनकी तैयारी है, आपकी भी तैयारी हो जाएगी, यहां पर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा, आराम से पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा क्या आंसर होगा। बिल्कुल दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकाल करके आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए,
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित हो सके। चलिए मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह ने 1594 में करवाया था। पहला बात, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1594 ईस्वी में करवाया था। इस किले में उत्कीर्ण राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता आपसे पूछा गया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है आपसे पूछा गया। इस किले में उत्कीर्ण राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? क्या कृपा है, मंडल है, देपाक है या जैता है? चलिए इसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल दोस्त आप सही जवाब की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बात करें जैता की तो आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। और जिस भी स्टूडेंट ने जैता का बारे में कहा है, आंसर दिया है, उसका सही जवाब हो जाएगा। यहां पर डीज द राइट आंसर। यहां पर आपके 20 क्वेश्चन की श्रृंखला क्या होती है, समाप्त होती है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। आशा करता हूं जो क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं उस क्वेश्चन को आपने समझा भी होगा, अच्छे से समझ आया होगा। एक थोड़ी सी सूचना देने वाला हूं मैं आपको, थोड़ा सा इत्मीनान बनाए रखे, बस 2 मिनट का समय दीजिए। दोस्त यहां पर अगर आपको जो भी चीजें समझ आ रही है, बिल्कुल आप टीचर्स का थोड़ा सा सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए आपसे मैं कोई फीस नहीं मांग रहा हूं, आपको थोड़ा सा काम करना है। हर एक टीचर का आप वीडियो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आता है तो डिसलाइक कर दीजिए, पर आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्त, मैं अगले 3-4 दिन आपसे नहीं मिलने वाला हूं दोस्त। अगले 4 दिन आपकी राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास नहीं चलेगी। इस बात को बताने का मुझे खेद है, लेकिन मुझे दोस्त आवश्यक कार्य आने के कारण किसी वजह से एक इंपॉर्टेंट काम है। वैसे मैंने 4 महीने से अवकाश कोई लिया नहीं है दोस्त, बीमार हो गया था, उसकी बात अलग है, पर मैं आपसे 4 दिन का अवकाश मांगने का प्रयास कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और निश्चित रूप से आपकी राजस्थान कला एवं संस्कृति की क्लास नहीं चलेगी। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। 4 दिन के बाद वादा करता हूं दोस्त आपके पास आऊंगा, आपके सामने आऊंगा और निश्चित रूप से एक पूरी एनर्जी और जोश के साथ ये क्लासेज आपको फिर से मिलने लग जाएंगी और निश्चित रूप से आपकी सारी की सारी राजस्थान कला संस्कृति ही नहीं, आपके सारे सब्जेक्ट की विधिवत क्लास एक टाइम टेबल के साथ आपको मिलने लग जाएंगी, ऐसा मेरा वादा है। मैं 4 दिन बाद आपसे आकर के मुलाकात करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आपको अपना और अपनों का ख्याल रखना है। आराम से अच्छे से पढ़ाई करती रहिए। जो भी यहाँ पर क्लासें चलाई जा रही हैं उनका फायदा उठाइए, लाइव आकर के पढ़िए, समझिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है, प्लीज मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, अगर आपकी कोई भी समस्या है वीडियो के अंत में कमेंट करिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं कुछ दिनों बाद। तब तक के लिए नमस्कार बोलता हूं और राम राम बोलता हूं, जय हिंद बोलता हूं सभी को, टाटा बाय बाय।